नहीं करता। बिल्कुल शांतमई जिदा के पंजाब दे विच वख वख टोल प्लाजा से आप एक्शन किए उदा का एक्शन अपना बिल्कुल शांतमई। आप नहीं चाहते कि जड़ा इतने कुछ सियासी सह के उत्ते इतने कुछ बंद ने टोल प्लाजे आल कर आम वर्कर आने धिया पोत्या अना की मंग रखी है ये साढ़े धिया पोत्या असी जो टोल प्लाजे के काम करते साडे धियां पोतिया साडे बच्चे साडे परिवारां दे विचों असी अपने मंग पत्रां दे विच पहलां वी इह गल रखी आ कि जिहड़ा एक महीना टोल प्लाजे बंद रहने आ उहदी जिहड़ी तनखाह वा असी कंपनियां तों कारपोरेट कंपनियां तों उहनां दे खातां दे विच पवा के उठांगे जिन्ना चिर रही पैणा है। पर सानू नहीं पता क्यों नहीं समझ लगती इतने सियासी सह के उत्ते इलाके का जो एम एल ए आई देखा गया उन्हें पार्टी के बंदे कले आम आदमी पार्टी के बंदे आए आ जिन्होंने अपना टकराव वाली स्थिति इतने बनाई है। पुलिस का जोड़ा रोल ही वो साढ़े ना पुलिस ने गल की आई बहुत पौना घंटा जो पुलिस ने साडे गाली गल रखी आई उन्होंने गल न मनिया अं आख्या ठीक है मसला सुझा लो अं कोई सानू गाली नहीं है बात कर लेंगे पर बावजूद भी वो बंदे टोल प्लाजा से खलो के हुल्लड़बाजी करते रहे गाला कढ़ते रहे सानू फिर थोड़ा किसान जो अगे वधिया पुलिस अगे हुई आई आख्या उन्होंने सामभ लो पर उन्होंने कंट्रोल तो फिर भी वो बाहर गए पुलिस को फिर हल्का फुल्का उ जो करना पिया किया कुछ साढ़े बंद भी गुजिया सट्टा लगिया उन्होंने भी लगिया हो गई पर चंगी तरह पत्रकार वेंदे उन्होंने कैमरे की अख वेंदी आ नाल पुलिस के उच्च अधिकारी जोड़े इतने बैठे उन्होंने वेख्या कि जो उन्होंने इतने किया गुंडागर्दी का नंगा नाच रज के किया गया पर हुण टोल प्लाजा बिल्कुल फ्री आ लोगों आम सहूलत रहन गया असी डट के इतने बैठे आ लगातार पवेंगे जे किसी ने फिर इतने उल्लड़बाजी करने का यतन किया तो यह जुम्मा मार भगवंत मान सरकार होगी जिला प्रशासन का जिम्मेवार हो गए जी लगभग एक महीना लगातार इतने पवेंगे साढ़े होर भी जथे आ जाएंगे रात में भी आने दिन भी आने लगातार डट के पवेंगे पर वो बंदे जिन्होंने कोई भी साढ़े को हुल्लड़बाजी इतने करने का यतन किया तो फिर यह जी गल इतों का जिम्मेवार प्रशासन होगा भगवंत मान सरकार हो जे सिक्के इतने निकलने सरकार वेख ले की कर वीर जी कोई नहीं पहले प्रेस बयान दिते आ पंजाब वख वख टोल प्लाजे से बैठी जिम्मेवार जथेबंदी आ 25 साल तो कम करती है दिल्ली के लड़के ही कानून रद्द करके आई है कली जथेबंदी बैठी रही है जिम्मेवार जथेबंदी आ यह साढ़े धियां पोत्या अं जानते कारपोरेट घराणियों को किवें घेरना तो एक महीने की तनखा किवें इन्हों के खात्या पानी आ सू पता पवा के उठा अभी तो होर भी गांव वादे आ कि जो टोल प्लाजे आ सरकारी किए जाए रेवन्यू सरकार नू जावे तो जोड़ा हैगा इन्ह दियां नौकरियां वो पक्कियां कीतियां जाण पर फिर भी इस गल नू समझ नहीं रहे असी सारे पंजाब दे विच मंग रखी आ तो इस मंग नू महीने के बाद लागू करा के जाऊँ इस वे साढ़े पंजाब को 20 टोल प्लाजे जी फाजिलका फिरोजपुर मोगा तरन तारण जलंधर कपूरथला मानसा गुरदासपुर हुशियारपुर जिने जिने टोल प्लाजे आते अमृतसर वो सारे के सारे अं बंद किए जिते जिते साड़ी जथेबंदी आ लोगों का साथ मिले पंजाब के लोगों का अँ ने पंजाब के लोगों साथ दो ये कारपोरेट घराने सड़क साढ़िया जमीन के बीच ही लंघ दियाँ तो कौटिया के भा सू जमीन लै रहे तो टोल प्लाजे ला के अरबा खरबा रुपया जरा ये कमाते जो कोई गड्डी निकलती आ उसका टैक्स जरा कंपनी उत्तर दे के निकलते तो फिर भी लोगों के उत्ते छट पाई जाती है करोड़ों रुपए रुपया रोज की कमाई करते इन्हों के खिलाफ सूँ निकलना पैना जे लोग पंजाब के लोगों ने सूँ साथ दिता
ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ? ਟੋਟਲ ਮੰਗਾਂ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਵੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਟੈਣੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਜਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਧਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 30 ਰੁਪਈਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਅਤੇ 30 ਰੁਪਈਏ ਕਿਲੋ ਰੇਤ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਸਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੇ ਆ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਆਈ, ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਆਈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਲੈਂਡ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ, ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹਾੜ ਮਚਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20% ਵਿਆਜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਲਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਲਿਊਟ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਪਲਿਊਟ ਹੋ ਰਹੀ, ਪਾਣੀ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਗੀਨ ਧਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਰੋਂ ਪਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿਓ, 4 ਹਫ਼ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਮੰਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਢਾ ਦਿਆਂਗੇ। 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਡੋਜ਼ਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਤਾਰੋਂ ਪਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਨੇ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ ਤਾਰੋਂ ਪਾਰੋਂ, ਇੱਥੇ ਸੰਟਰੈਕਟ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਪੋਤੇ ਆ, ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਬਾਰਾਂਗੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਬਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ।